हेलो दोस्तों, आज हम सबलाइन डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो क्रोम में जाके सबलाइन लिखेंगे। सबलाइन लिखने के बाद हम क्लिक करेंगे उस पर, और क्लिक करने के बाद हमारा सबलाइन ओपन हो जाएगा, फर्स्ट लिंक। और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारा वो खुल जाएगा। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड फॉर विंडो, और उस पर आप क्लिक करें डाउनलोड फॉर विंडो। और देखिए हमारा स्टार्ट हो गया डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। थोड़ा देर वेट करते हैं जबकि डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखिए डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। आप कट भी कर सकते हैं लेकिन हम मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज करने के बाद अपने डाउनलोड फाइल में जाएंगे। तो डाउनलोड फाइल में हम आ गए हैं। डबल क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक ओपन होने लगेगा। थोड़ा देर वेट करते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। और लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल आएगा। इंस्टॉल ऑप्शन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और लास्ट में फिनिश कर। हमारा वहाँ पे सबलाइन डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे सबलाइन पे क्लिक करेंगे। सबलाइन पे क्लिक किया, ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, ओपन हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप कोड लिख सकते हैं या आप कहीं से कोड कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल हम कॉपी कर रहे हैं। क्रोम में जाएंगे, यहाँ पे हाउ टू क्रिएट HTML फाइल, और उसके बाद देखिए हमारा ऑलरेडी सर्च है। लॉगिन फाइल सर्च करने के लिए क्लिक करेंगे W3 स्कूल से, और यहाँ से कोड कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके इस फाइल को और पेस्ट कर देंगे उसमें। आप लिख भी सकते हैं बट हम लिख नहीं रहे हैं फिलहाल के लिए। तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें सेव करना है। सेव पे जाएंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ सेव बटन आएगा। आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वहाँ कर लीजिए। हम न्यू फाइल बनाए हुए हैं, आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस पे यहाँ पे A1 मैं अपने आप दे रहा हूँ। आप जो भी फाइल का नाम दे सकते हैं, A1.html क्लिक और सेव कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें। कोड भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने पर। तो यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद डेस्कटॉप पर आएंगे। हम डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाए थे, न्यू फोल्डर को ओपन करेंगे। उसमें हमारे वो जो सेव किए थे 1.5 वो दिख जाएगा। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा हमारा क्रोम में। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और भी इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।